अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि स्टेट रैंक आपकी क्या होती है और इसे डाउनलोड कैसे करना है। जी हाँ, काउंसलिंग के लिए कितनी स्टेट रैंक जरूरी है इसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। मान लीजिएगा आपकी स्टेट रैंक 2,50,000 आती है, तो फिर क्या आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे? पूरी अपडेट हम आपके सामने रखते हैं। जी हाँ, आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या 3,00,000 से भी ज्यादा है, 3,20,000 से भी ज्यादा है जो फाइनल रूप से आवेदन किए हैं। तो एक बड़ी संख्या में छात्र ऐसे हो सकते हैं जो कि काउंसलिंग से बाहर होंगे। देखिए, दिक्कत पता क्या होती है, कुछ बच्चों के साथ नाइंसाफी होती है। जैसे कुछ बच्चे 220 नंबर पाए, ठीक, उन्होंने एक बार फॉर्म भर दिया, उनको लगा कुछ गड़बड़ कर दी, तो उन्होंने दोबारा से फॉर्म भर दिया, उनके 221 हो गए मान लीजिए, ठीक है, कुछ कम या ज्यादा नंबर करके दो दो बार कर लिया। उस वजह से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल 2,40,000 रैंक के आसपास होंगे, ठीक है, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। और एक और जो महत्वपूर्ण बात होगी, क्या डेट को एक्सटेंड किया जा सकता है? जी हाँ, बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि एक बार और आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि लास्ट 25 अक्टूबर तक ही आवेदन कंप्लीट रूप से हुए हैं। उसके बाद आज 30 नवंबर को आप इस वीडियो को देख रहे हैं, 1 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, स्टेट रैंक आने से पहले, ठीक है, एक बार और आपको मौका दिया जा सकता है। लेकिन अगर एक बार स्टेट रैंक की डेट डिसाइड हो गई कि इस डेट में आपकी स्टेट रैंक आने वाली है, तो फिर जो भी उम्मीदें आपकी वहीं से समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। एक बार चलिए ऑफिशियल वेबसाइट को एक बार हम लोग देखते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, रजिस्ट्रेशन, नो योर रैंक, ठीक है, पे सीट अलॉटमेंट, फीस, चॉइस फिलिंग, ये सारी चीजें देखिए, ठीक है ना। हम भी हर दिन इसको देखते रहते हैं, ये मत सोचिएगा आप लोग कि ऐसे ही वीडियो बन रही है, हर समय पल पल के अपडेट्स हैं। और देखिए आप लोग एकदम लेटेस्ट कमेंट्स, तो किसी बच्चे ने भी मात्र 6 मिनट पहले कमेंट किया होगा और वीडियो थोड़ी लेट से भले मिले, इस सर क्या रजिस्ट्रेशन का लिंक फिर से ओपन होगा, मैं बिहार से हूँ, रिप्लाई जरूर दीजिएगा। देखिए, हमने आपको क्लियर किया है कि अगर स्टेट रैंक नहीं आती, ठीक है, तब तक आप एक उम्मीद कर सकते हैं। अगर स्टेट रैंक आ जाएगी तो उस समय फिर आपको दोबारा मौका मिलने के चांस उसी जगह खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अगला कमेंट देखिए, क्या मेरिट लिस्ट निकली है या नहीं? तो इसका आंसर अभी नहीं निकली है। अरे भैया, स्टेट रैंक आया कि नहीं? इंतजार करिए, जल्दी आपको अच्छी खबर मिलेगी। सर, स्टेट रैंक का बता दीजिए। देख सकते हैं सभी बच्चों के मन में एक ही सवाल है स्टेट रैंक को लेकर। तो इसको डाउनलोड कैसे किया जाता है? इसको डाउनलोड करने के लिए आपके पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्म भरते समय देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ लिखा होगा वो भी आपको बता देते हैं। जब ये फाइनल आपने प्रिंट किया होगा, तो यहाँ पर सबसे ऊपर ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर के हाइड किया गया, तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा और आपके डेट ऑफ बर्थ। इसी से आप लॉगिन करके अपनी स्टेट रैंक तुरंत डाउनलोड कर लेंगे। स्टेट रैंक आपका शो कैसे करेगा? स्टेट रैंक रिजल्ट ऐसा लिखा रहेगा, ये 2023 का, इस बार 2024 लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका नाम, पिताजी का नाम, जेंडर, कैंडिडेट की कैटेगरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगी। मान लीजिए कि आपके पास ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र नहीं है और रियल में आप ओबीसी हैं, लेकिन आपके पास है ही नहीं, डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, ठीक है, आप क्या है वो अलग मैटर करते हैं, तो उस केस में आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो स्टेट रैंक आप जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के परसेंटेज भी लिखे होंगे। वहां से एक बार और आप मिलान कर सकते हैं कि आप फॉर्म भरते समय कोई गलती तो नहीं किए। अगर आपकी स्टेट रैंक जैसे 19,560 दिख रही है, अगर आपके 20,000 के अंदर है, 20,000 तक भी है, तो आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आप लोग के कमेंट का आंसर कर लिया जाए थोड़ा। सर जी, मैंने रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ, तो सर जी मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अभी क्या रजिस्ट्रेशन हो रहा है? प्लीज क्या प्रोसेस रहता है बता दो, प्लीज मुझे एडमिशन लेना है। तो फिलहाल अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, रजिस्ट्रेशन की जो भी प्रक्रिया थी वो 25 अक्टूबर से समाप्त कर दी गई, लेकिन अभी स्टेट रैंक नहीं आई है, तो उम्मीद में आप रह सकते हैं। तो फिलहाल अब पीएनपी पता है क्या करेगी, अब पीएनपी काउंसलिंग के लिए परेशान होगी, ना कि स्टेट रैंक या मतलब आपकी रजिस्ट्रेशन को लेकर, क्योंकि इनको जितना आवेदन लेना था 3,00,000 से ज़्यादा बच्चों ने आवेदन कर दिया। अब लेट होने का रीजन क्या है? 12th वर्सेस ग्रेजुएशन, ये मामला दोस्तों जो कोर्ट में चला गया, अगर ये मामला कोर्ट में ना होता तो आपकी पहली क्लास 12 दिसंबर को देखने को मिल जाती। जी हाँ, एकदम पहले से जो शेड्यूल तय था उसी हिसाब से सारा काम होता, थोड़ा सा लेट हो जाता, 12 से 15 हो जाता, लेकिन इतना लेट नहीं होता जितना कि आप उम्मीद है। आपकी जो पहली क्लास शुरू होगी, अब वो पूरी उम्मीद है कि 2025 से पहले नहीं देखने को मिलेगी, और वो महीना भले जनवरी का ही हो, ठीक है।
क्योंकि पीएनपी को 1 महीना तो तकरीबन चाहिए होगा ना स्टेट रैंक निकाल कर, क्योंकि आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी एक प्रोसेस होता है। सर मेरा जनरल कैटेगरी है और परसेंटेज 229.8 है। देखिए जनरल कैटेगरी में इतने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाए होते तो उसका आपको फ़ायदा मिलता। स्टेट रैंक बीटीसी क्या होता प्लीज़ एक्सप्लेन। ठीक है स्टेट रैंक का मतलब ये होता है कि अगर 3 लाख बच्चों ने आवेदन किया है तो आप कौन से नंबर पर आपकी मेरिट बन रही है, क्योंकि मेरिट के हिसाब से ही आपकी स्टेट रैंक बनेगी। अब किसी बच्चे का 241 है तो मान लीजिए इसको फर्स्ट बना दिए तो 240 वाला बच्चा क्या होगा, ये सेकेंड पर आएगा, और 240 पर हो सकता है पता नहीं कितने बच्चे आ रहे हो, ये भी होगा। क्या 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में बीपीएससी में करंट अफेयर्स पढ़ना होता है? ठीक है वो देखिए बीपीएससी का अभी यहाँ पर आप सिलेबस में बताइए ठीक है। अभी हम लोग पहले एडमिशन तो ले लें ठीक है। और एक बात और है, बिहार में वैकेंसी में आपको पता क्या फ़ायदा मिलता है, वहाँ पर दोस्तों एकेडमिक नहीं जोड़ा जाता, जो यूपी की शिक्षक भर्ती होती है यहाँ पर आपका 40% एकेडमिक, मतलब 40% में 10% आपका 10th क्लास का, 10% आपका 12th क्लास का, 10% आपका ग्रेजुएशन का, और 10% ये 10% है ना, 10th नहीं, 10% आपका डीएलएड का, ये लिया जाता है। यूपी की बात करें 40% ये 60% सुपरटेट। बिहार में क्या होता है कि जैसे कुछ बच्चे इस वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर हमारे 229 नंबर है ठीक है, जैसे एक बच्चे का कमेंट है, और कुछ बच्चों के कमेंट देखिए, और कुछ कमेंट्स हैं कम नंबर में ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कुछ बच्चे देखिए सर मेरी ये रहेगा 187 ठीक है या 218। अब इनके नंबर तो बहुत कम लग रहा है, यूपी के हिसाब से इन बच्चों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन इनकी पीएच कैटेगरी है तो चलिए ये बच जाएंगे, लेकिन और बच्चे भी ऐसे हैं तो उनके लिए ठीक रहता है बिहार में कि चलो ठीक है सुपर टेट का पेपर होगा, जो ज़्यादा नंबर पाएगा उसको नौकरी मिलेगी। अब यहाँ पर आप लोग को अपनी एकेडमिक भी मेंटेन करनी रहती है, ओवरऑल आपकी मेरिट बनती है, एक बात याद रखिएगा ठीक है ना। तो इस वजह से बच्चे बिहार में ज़्यादा खुश रहते हैं सुपर टेट से। सर रिप्लाई प्लीज़। ठीक है बड़ी कन्फ्यूजन में हूँ, 2024-26 सेशन में एडमिशन हो सकता है क्या? कुछ ब्रोकर बोल रहे हैं कि यूपी बोर्ड से डायरेक्ट एडमिशन करवा देंगे, वो पीएनपी से होता है फिलहाल रिप्लाई ठीक है ना। देखिए आप लोग किसी गलत इंसान के संगति में मत आइएगा। और एक बात और, अगर कुछ भी आपको एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, जैसे लिखा भाई कुछ लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट यूपी बोर्ड से डीएलएड में, यहाँ पर यूपी बोर्ड से नहीं मतलब होता पीएनपी से होता है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, करवा देंगे 90,000 फीस में, सही है क्या ब्रो रिप्लाई प्लीज। ठीक है अगर आपको ऐसा कुछ भी डाउट है आपके, तो कुछ माइनॉरिटीज के कॉलेज होते हैं जहां पर ऐसा हो सकता है डायरेक्ट बिना फॉर्म भरे भी आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन पहले आप उस कॉलेज में विजिट करेंगे जाके ठीक है, घर बैठे नहीं करना है, कॉलेज में जाकर प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन किसी को 1 रुपया भी सेंड मत करिएगा, नहीं तो फ्रॉड के शिकार आप हो सकते हैं, डिजिटल में कितना पैसा लोगों का डूबा है ध्यान रखिएगा। सर मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, बाई मिस्टेक मैंने मार्क्स गलत डाल दिया है, और ग्रेजुएशन का सर क्या मुझे डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है? जी हाँ अगर आपने कुछ गलती की हो तो एक काम करिएगा, आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है एक बार उस कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा ठीक है। अगला कमेंट, सर मेरा 198 नंबर है हाई स्कूल 12वीं बीए में, क्या सरकारी कॉलेज? नहीं, प्राइवेट मिलेगा आपको सर, जब तक रैंक नहीं आएगी तब तक प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं होगा। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि सारा प्रोसेस पीएनपी के माध्यम से होता है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। प्लीज सर बताइए। जी हाँ क्वेश्चन क्या है, फिर से आवेदन की डेट आएगी या नहीं प्लीज सर बता दीजिए, देख सकते हैं यहाँ पर। तो पीएनपी भी फिलहाल आवेदन को लेकर उतने ज्यादा सीरियस नहीं है, क्योंकि इनको आगे स्टेट रैंक लेकर एडमिशन लेना है, काफ़ी बच्चे नाराज भी हैं कि एडमिशन इतना लेट हो चुका है, तो काफ़ी बच्चे छूटे भी हैं। सर स्टेट रैंक आएगी भी या नहीं? देखिए स्टेट रैंक आनी तो है ही है, लेट हो रहा है जब मामला कोर्ट में जाता है ना, तो फिर क्या ही बताएं। सर मेरे 218 हैं, एडमिशन हो जाएगा प्राइवेट के चांस रहेंगे, काउंसलिंग डेट कब तक? बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी सर, अगर काउंसलिंग हो जाती है तो फर्स्ट सेमेस्टर जल्दी होगा, 6 महीने बाद क्या सेशन जल्दी नहीं होगा? देखिए अगर एडमिशन होगा भी तो 6 महीने के बाद ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा ठीक है ना। सर मेरा 239 है, जी हाँ चांस रहेगा सरकारी का आराम से। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की काउंसलिंग 9 तारीख से, बिहार में दोस्तों शिक्षक भर्ती का प्रोसेस था तो यहाँ पर अब काउंसलिंग के माध्यम से इनको नौकरी मिलेगी, नौकरी ठीक है आगे चल के। और आप लोगों का भैया एडमिशन तक नहीं हो पा रहा, अब क्या ही करा जाए, लेट पर लेट हो रहा है, तो फिलहाल कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया लगातार उससे चेक करते रहिएगा, जैसे ही स्टेट रैंक का लिंक एक्टिवेट होगा सबसे पहले आप अपना स्टेट रैंक डाउनलोड कर पाएंगे। डायरेक्ट एडमिशन ये काउंसलिंग के बाद होता है, लास्ट प्रोसेस होता है, जब कॉलेज की सीटें खाली रह जाती है तो पीएनपी सोचती है चलो ठीक है भाई कॉलेज का नुकसान ना हो और कोई बच्चा एडमिशन नहीं लिया, तो ये लास्ट में डायरेक्ट एडमिशन करा देते हैं।
और जनरल में 230 प्लस मान के चलिए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 225 प्लस, एससी में 215, बाकी में 200 प्लस, ठीक है। उससे कम में सरकारी कॉलेज के चांसेस मुश्किल हैं, और आपकी रैंक 2,40,000 के अंदर होनी चाहिए। हम ये क्यों कहते हैं ये भी चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी काउंसलिंग का प्रोसेस आता है तो वहाँ पर लिखा रहता है, स्टेट रैंक 1 से लेकर 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु 5,000 रुपये, ठीक है। लेकिन लिखा नहीं 2,40,000 के ऊपर के लिए। तो यहाँ पर पहले 1 से 20,000, 20,000 1 से 80,000, 80,000 1 से 1,50,000, 1,50,000 1 से लेकर 2,40,000। इस हिसाब से दोस्तों आगे आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो एडमिशन के समय लगेंगे। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, अगर आपकी रैंक अच्छी है, मेरिट अच्छी है, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा जो आप चॉइस फिल करेंगे। देखिए, एक बच्चे ने 15 कॉलेज का विकल्प दिया, उसमें से इनको नंबर 2 कॉलेज मिला, और एक बच्चे ने जनरल कैटेगरी में कोई सर्टिफिकेट नहीं था इनके आरक्षण का, इनको कोई कॉलेज नहीं मिला। इनकी रैंक 18,000 थी और इस बच्चे की रैंक कितनी थी, 19,000। ज़्यादा रैंक होने पर भी सरकारी कॉलेज मिल गया, लेकिन समझदारी होनी चाहिए, थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लिया है। तो वैसे कुछ बच्चे ओबीसी बनवाए होंगे, कुछ बच्चे एससी कैटेगरी, कुछ बच्चे एसटी कैटेगरी, और कुछ बच्चे स्पेशल कैटेगरी। फिर मिलते हैं स्टेक।